तो भाई राइड रिव्यू से पहले मैं आपको जो है इसकी ना साउंड सुना देता हूँ। एकदम बेसिक 15V4 MK व्हील कवर्स नहीं नहीं वो स्टीयरिंग नहीं है, व्हील कवर है, व्हील कवर। शाहिद खान प्लॉट नंबर, हां तो इधर का है ना। हे पैंथर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। तो भाई आज के व्लॉग में जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, मैं आपको आज देने वाला हूं डोमिनार 400 2023 का जो लेटेस्ट मॉडल है उसका रिव्यू देने वाला हूँ आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, बाइक मेरे पास ही खड़ी है, ये देखो ये अपनी बाइक है कुछ, ठीक है। तो इसके बारे में जो बहुत बंदे मेरे को मैसेज करते हैं, भाई डोमिनार का मैंने कैसे पिछले व्लॉग में बता दिया था कि भाई डोमिनार का मैं रिव्यू देने वाला हूँ, तो बहुत बंदों ने मैसेज भी किया मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पर, भाई डोमिनार का रिव्यू कब दे रहे हो। तो ये जो अपनी डोमिनार है, ये अपनी जो लेटेस्ट अब की आई है, अब जो 2023 में जो लेटेस्ट मॉडल है वो वाली डोमिनार है। अब बहुत से बंदे इसको लेना प्रेफर करते हैं और बहुत से बंदे इसको नहीं लेते, ठीक है। अब क्यों नहीं लेते और लेते हैं तो क्यों लेते हैं, मैं इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ आपको बताने वाला हूँ आज अपने पास खड़ी है। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी पावर से। इसमें आपको पावर मिल जाती है डोमिनार 400 में। वैसे तो देखो बोलने को ये 400cc की बाइक है, नॉर्मल बंदा अगर कोई भी बोलेगा तो बोलेगा 400cc की बाइक, लेकिन इसमें जो एक्चुअल आपको मिलती है ना पावर, वो इसमें आपको देखने को मिलती है 373.27cc की इसमें पावर मिलती है। आप ओरिजिनल जो इसकी पावर है इंजन में आपको इसमें ब्रांडिंग में भी दिख जाएगा 373 की। और उसके बाद जो आपको ये टॉर्क देती होती है 30 Nm का एक टॉर्क आपको जो है प्रोड्यूस करके देती है, तो बहुत अच्छी पावर है, ठीक है। मेरी MT में 18 BHP की पावर है, तो भाई बहुत कम है, वो 155cc की बाइक है, बट उसके हिसाब से वो ठीक है। तो ये आपको कुछ इसमें पावर मिल जाती है, पर क्या अपन ने बात कर लेती है तो लुक्स आप देख लो भाई, सबसे पहले ना मैटर करता है लुक्स। तो मैं आपको देखो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो बजाज 280,000 रुपये में आपको जो चीज़ दे रहा है ना, वो और कोई कंपनी नहीं दे सकती। ये चीज़ खुद ने मैंने फील करी, आप चाहे किसी में भी चला जाओ, आप यामा की बाइक सारी है, R15 हो गई, 155cc की बाइक है, 2.5 लाख तक प्राइस जाता है उसका, 2.5 लाख। तो भाई वो मार्केट के ऊपर डिपेंड कर, यहाँ पे ये लगे लीवर गार्ड्स, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ग्रीन में और कुछ ब्लैक में लीवर गार्ड्स हैं, यहाँ पे इधर के साइड और दूसरा वाला ये रहा लीवर गार्ड। और लीवर गार्ड हो गए तो भाई कितनी पर ही लगती है देखने में। आप अपन बात कर लेते हैं, भाई देखो USD Fox, ठीक है, इसमें आता है USD Fox, जो कि भाई बहुत प्यारे, आपको ना अगर आप गड्ढे वड्ढे में जाओगे तो भाई महसूस तो होने देते हैं। इंजन का मैंने आपको बता दिया, 373cc का इंजन, लिक्विड कूल इंजन मिलता है आपको इसमें। देखो आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये टूरिंग बाइक है, आप लॉन्ग राइड पे लेने के अगर आप पर्पस से ट्राई कर रहे हो कोई बाइक, बहुत प्यारी बाइक है, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आपको मैं बता देता हूँ इसकी नेक्स्ट, अब आपको इसमें पता है क्या क्या मिल जाता है। इसमें आपको मिल जाता है डुअल डिस्क, आगे पीछे डिस्क मिलेगा आपको, ठीक है, देख सकते हो डिस्क प्लेट येरी एंड पीछे के साइड देखो डिस्प्ले थोड़ी छोटी मिलती है, ठीक है, और आगे के साइड आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है इसमें। एंड उसके बाद आपको मिल जाता है इसमें डुअल चैनल ABS, देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इसमें ABS की प्लेट ये रही, एंड देन पीछे के साइड ABS की प्लेट, आगे के साइड मैं आपको दिखा देता हूँ ABS की प्लेट ये रही। ABS भाई देखो सेफ्टी वाइज तो बहुत प्यारी बाइक है। और आगे आपको मिल जाता है देखो 4 LED, 1, 2, 3, 4 4 LED जो आगे हेडलाइट है, बहुत प्यारा लुक आता है देखो LED का, ठीक है। और देखो भाई का भाई किस्मत देखो 500, अच्छे नंबर आए, VIP नंबर, जैसे जो 5,000 रुपये दे के लेते लोग भाई को फ्री में मिल गया। अब पीछे के साइड देखो भाई, इसमें ना आपको टूरिंग किट मिलती है पूरी की पूरी, ये देखो यहाँ पे पीछे के साइड आपको अलग से इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे के साइड भी आपको देख सकते हो विंडशील्ड मिल जाती है। आप अब देखो पावर के मामले में, अब जब हम पावर की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ना आपको रेडीमेड विंडशील्ड मिलती है, तो विंडशील्ड ये देखो कितनी बड़ी है, और इस हिसाब से डोमिनार 400 के हिसाब से बहुत प्यारी लगती है विंडशील्ड की अपन अब बात करते हैं तो। एंड देन उसके बाद देखो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको मिल जाता है इसमें डुअल एग्जॉस्ट। भाई जो इसकी साउंड है बहुत प्यारी साउंड आती है डुअल एग्जॉस्ट में, मैंने अभी देखा इसको खुद ने चला के देखा, तो डुअल अभी मैं आपको साउंड भी सुना दूंगा इसकी, बट डुअल एग्जॉस्ट में जो इसकी साउंड आती है बहुत प्यारी साउंड निकल के आती है। और सिंगल सिलेंडर बाइक है, सबको पता है भाई सिंगल सिलेंडर बाइक 400cc की बाइक भाई बहुत प्यारी जो है पावर प्रोड्यूस करके देती है, जितना कि देना चाहिए एक 400cc की बाइक। तो अभी अपन बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। तो फ्यूल टैंक भाई इसका आता है 13 लीटर की कैपेसिटी के साथ। तो बंदे बोलेंगे 13 लीटर टूरिंग बाइक के लिए हाँ सफिशियंट नहीं है, बट
अगर इसमें बजाज थोड़ा सा अपग्रेड करके 15 लीटर देती तो ठीक रहता, ठीक है। और इसका फ्यूल आता है E20 एथेनॉल के साथ, तो भाई ये बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, लेटेस्ट चीज़ आई है E20 एथेनॉल को जो है सपोर्ट करता है ये। तो भाई 13 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक आता है, और अगर माइलेज की बात करी जाए तो कंपनी क्लेम करती है 30 किलोमीटर, ठीक है, पर लीटर। तो भाई 20-25 का ये दे देती है आपको। तो E20 एथेनॉल के साथ आती है, वो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया। एंड देन भाई जो इसका कंफर्ट है, मैं आपको सीट का कंफर्ट दिखा देता हूँ। देखो मेरी MT है, साइड में मेरी MT भी खड़ी है। देखो मैं बुराई वाली बात नहीं बता रहा, जो चीज़ है वो जो मेरे को फील हो रही है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भाई कंफर्ट सच में बहुत प्यारा कंफर्ट आता है। आप देखो पुशनिंग देख सकते हो, सीट की बहुत प्यारी पुशनिंग आती है इसकी, ठीक है, पीछे के साइड और पीछे पिलियन वाले को भी भाई बहुत अच्छी पुशनिंग आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब आप इसमें थकोगे नहीं, कितना लंबा राइड ले लो इसमें थकने वाले नहीं हो, ठीक है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं इसके टायर के बारे में। तो भाई टायर आता है पीछे के साइड 150 सेक्शन का, जो कि भाई चार डोमिनार 400 के हिसाब से बहुत प्यारा टायर है, और आगे का आता है 110 का 400 में। और आप इसके अलॉयज देख सकते हो, बहुत प्यारे लगते हैं, जो कॉम्बिनेशन करके दिया है बजाज वालों ने, देखो व्हाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन एंड ग्रीन के साथ विद आपको जो ये USD फॉक्स है, ये भी भाई इसमें व्हाइट मिल जाते, तो बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बजाज वालों ने। और अपन अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में इसके। तो भाई इसका नेक्स्ट चीज़ है जो है LED इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, कंपनी से ही मिल जाते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये देख लो, ये आपको LED कुछ इंडिकेटर्स कंपनी के साथ ही मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, देखो लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहीं पर मिल जाते हैं। तो अभी अपन बात कर लेते हैं इसके मीटर के बारे में। देखो मीटर में आपको देखो सारी चीज़ें, किलोमीटर, गियर शिफ्ट वगैरह नहीं, आपको गियर यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको गियर दिखाएगा। एंड अच्छा, इसमें एक और चीज़ मेरे को सबसे प्यारी चीज़ लगी, जो OBD2 दिया है इसमें। OBD2 क्या होता है, जैसे आप मान लो एक लंबी राइड के लिए निकल रहे हो, तो लंबी राइड पे निकलने से पहले आप कंपनी में जाके इसको लैपटॉप से चेक करवा सकते हो, भाई मेरी कंपनी में मेरी बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो OBD आपको जो सेंसर लगा हुआ है इसमें, तो वो आपको भाई बता देगा कि भाई कुछ भी कोई सेंसर अगर ख़राब है या कुछ भी बाइक में प्रॉब्लम है तो आपको दिखा देगा, डिटेक्ट कर देगा वो, ठीक है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं देखो मीटर के बारे में। तो मीटर देख लो आपके सामने, कुछ ऐसा आपको मीटर मिल जाता है। यहाँ पे ABS जो पूरी नीचे वार्निंग है वो नीचे के साइड आपको मिल जाती है, और ये RPM लिपिट इंडिकेटर ये वाला आपके साइड, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्यूल गेज, ठीक है। तो बहुत प्यारा मेरे को ऐसा लगा थोड़ा छोटा दिया है मीटर, बट ठीक है। एंड देन आधी चीज़ें यहाँ पर दिख गई, टाइम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, गियर शिफ्टिंग वगैरह यहाँ पर दिख जाएगा, ऑडियो आपके यहाँ पर दिख जाएगा, कितने किलोमीटर कितना चलिए कितना क्या है, तो सब चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। टर्न रेट की डिटेल्स, ठीक है, जो मैंने दिए, और अभी जो अपना ओनर है जो इसका भाई को चला रहा है, तो 25-30 का एवरेज ये निकाल के दे रही है माइलेज, अभी फिलहाल निकाल के दे रही है। एंड देन भाई 400 CC की बाइक है, तो एक्सपेक्ट कितना ही कर लो। और ये देखो भाई लुकिंग में तो भाई बहुत प्यारी लगती है, देखो आप देख सकते हो लुकिंग में कितनी प्यारी लगती है 400। अब अपन आते हैं प्राइसिंग के बारे में। देखो भाई 400 CC की बाइक, आप कोई भी बाइक लेकर जाओगे, मान लो आपको KTM ड्यूक चाहिए, तो 3.5 के प्लस प्लस आएगी ड्यूक 390, एंड ये आपको मिल जाती है ओनली 2,80,000 के अंडर आपके मिल जाती है, 3 लाख के बजट में मिल जाती है आपके। तो भाई 3 लाख में बजाज आपको 400 CC की बाइक दे रहा है, तो और क्या चाहिए भाई, बस हो गया। देता हूँ राइड रिव्यू इसका, ठीक है, फटाफट। तो भाई राइड रिव्यू से पहले मैं आपको जो है इसकी ना साउंड सुना देता हूँ। सबसे पहले एकदम बेसी साउंड आता है इसको, स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ से चाबी ऑन हो गई। और सबसे अच्छी चीज़ देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट, ठीक है, चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है, जो कि भाई टूरिंग बाइक में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड वहाँ कंट्रोल्स वगैरह आपको नॉर्मल मिल जाते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर हो गए, यहाँ पे लो एंड हाई बीम हो गया, हॉर्न हो गया, और ये इसका किल स्विच हो गया, ये सेल्फ हो गया, और ये हो गई इसकी लाइट। तो स्टार्ट करते अभी थोड़ा सा राइड रिव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है, तो चलते हैं भाई। ये देखो अब आपको ना गियर वगैरह दिख रहा होगा, देखो गियर, ये दूसरे गियर में मैंने शिफ्ट करी है, तो ये रहा देखो, तो ये कुछ है भाई इसका, ऐसे लगते हैं कि मान लो आप सच में ना लिटरली ऐसे लगता है, बहुत बड़ी बाइक मेरे को लगती है, ठीक है। तो अभी देखो, और भाई पावर, पावर की बात बता देता हूँ आपको मैं, पावर के मामले में ना भाई मेरे को इसमें कोई कमी नहीं लगी, लिटरली बहुत बहुत प्यारी बाइक है। तो भाई 2,80,000 रुपये में आप क्या ही लोगे। और इसके साथ साउंड मेरे को बहुत प्यारी लग रही है, देखो एक बार मैं थ्रोटल देता हूँ आपको,
साउंड तो भाई बहुत प्यारी है, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर आप एक टूरिंग बाइक प्लस में स्पोर्ट्स बाइक अगर आप ये किट विट हटा दे तो इसके किट्स ये क्रेज ये क्या बोलते हैं इसको लीवर गार्ड्स एंड पीछे की जो किट है ये आप अगर हटा दे तो ना तो प्रॉपर आपके लिए ना ये एक वो तैयार होके आ जाएगी, क्या बोलते हैं उसको स्पोर्ट्स बाइक टाइप तैयार होके आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो भाई एंड मैंने आपको दे दिया भाई इसका राइड रिव्यू, ठीक है, जैसा था एंड ऑल ओवर लुक आप देख सकते हो बाइक का कितनी प्यारी लगती है पीछे से किट विट अगर जैसा है भाई ने जैसे स्टॉक बाइक आई है ना तो वही स्टॉक ही है अभी, इसमें कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं करिए, तो जैसा है ऐसे कैसे ही आई है अभी, ठीक है। नंबर ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना होगा वो है ना, तो एक महीना हो गया और भाई को VIP नंबर मिल गया भाई, बहुत प्यारा है यार नंबर, अच्छा मिल गया भाई 500, बहुत प्यारा है, बहुत से बंदे 5,000 रुपये दे के ये नंबर लेते, तो भाई को मिल गया बहुत प्यारा नंबर। तो भाई देखो फाइनली अपन आ चुके हैं अभी डोमिनार का रिव्यू देके साहिल भाई के घर पे, ठीक है। तो हाँ डोमिनार का रिव्यू दिया था आज, कैसी डोमिनार? अच्छी 2023 मॉडल भाई, 400 cc में भागेगी तो उसका पहला गियर और इसके दो गियर पर अच्छी ना लगे मेरे को। हाँ डोमिनार है तो भाई इसको देखो डोमिनार अच्छी नहीं, ग्रीन कलर की बाइक अच्छी नहीं लगती इसको, नहीं बोल दे रहा है तू अच्छी नहीं लगती डोमिनार ग्रीन कलर की है ना, अच्छा ऐसा है। तो यार आपने उसके लिए मंगा ना यार भाई ये क्या बोलते हैं व्हील कवर वगैरह मंगा कुछ? मंगवा दे, वही मैं बोल रहा हूँ सेम मंगवा दे, बस वो कर देना नाम अलग लिख देना, ऑर्डर डाल दो उसको और बोल दे सेम साइज लेस चाहिए, मैंने फोटो भेज दिया उसको, बोल दे आ जाएगा अवेलेबल है यार, अभी तो कह रहा हूँ। हाँ कहाँ? हाँ हाँ मैंने बोला था इसके अंदर है, दो साइड है ये, इसमें ना देख अंदर के साइड का वो है, मतलब इसमें ब्लैक कलर है पीछे के साइड, ये मतलब व्लॉग नहीं देखता, मतलब व्लॉग नहीं देखता ऐसा ये गलत बात है। हाँ तो पीछे है गद्दारी कर रहा है हाँ तो नाम पीछे की साइड है ब्लैक कलर में ऐसा है। तो भाई और इसके बाद ना अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना वो आने वाला है R15 M के व्हील कवर है भाई साहिल ने मंगाया, तो कल उसकी अनबॉक्सिंग होगी तो नेक्स्ट वीडियो उसी का मिलेगा एम के, ये देखो वही ना क्या बोलते हैं ट्रस्टेड वेबसाइट है। हाँ तो ये इसने मंगाया भाई, बहुत प्यार यार रात में भाई कितना प्यारा, मैं वीडियो देखी थी शॉर्ट वीडियो बहुत प्यारा है, रात में ना भाई चमकते ये ऐसा है, तो ये चीज है ये कुछ है ना, ठीक है। तो अनबॉक्सिंग कल दिखा देंगे भाई इसके आपको, R15 V4 MK व्हील कवर्स नहीं नहीं वो स्टेयरिंग नहीं है, व्हील कवर है, व्हील कवर। हाँ तो इधर का है ना वो दे रखा है ना, चले कहाँ लाइन से लगाओ, लगा देना भाई हेलमेट, इसमें चाबी नहीं लगती किसमें? हाँ वो ऐसे ये धक्का स्टार्ट है, और धक्का स्टार्ट धक्के से स्टार्ट हो जाती है वो वाली पल्सर है, वो वाली KTM है, दोनों इनको तो आप जानते हो, ठीक है। और शाम का देखो भाई कितना प्यारा माहौल हो रखा है, वैसे सर्दी होगी अब थोड़ी बहुत देर में क्योंकि हमारे इधर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है, और ये सनसेट देखो भाई इतना अच्छा नहीं है बट बहुत प्यारा है आज ऐसा भी है। आज ना मतलब मैंने आपको डोमिनार दिखाई थी तो कैसी लगी यार कमेंट करके जरूर बताना यार, वैसे ना डोमिनार वो नई वाली डोमिनार थी 2023 का जो लेटेस्ट मॉडल है वो वाला था, मैंने आपको दिखा दिया। और अपने ये वाले ना व्हील कवर आने वाले हैं भाई, साहिल अभी ऑर्डर करेगा थोड़ी देर में, कर देना भाई ठीक है, व्हील कवर भाई लगवाएंगे जल्दी से, ठीक है। हाँ कर रहा है ये, तो भाई देख लो ये 125 घड़ी है, KTMR से घड़ी है, कौन सा मॉडल है? 20 इसके साथ में भी हूँ, अगर किसी को लेनी है तो कमेंट कर देना, बात कर लेना साहिल 5712 ब्लॉग। हाँ भाई बेच रहा इसका प्लान है, मैं बताऊँ ना इसका ये प्लान है, हाँ MT15 का प्लान है भाई बता रहे, डोमिनर थोड़ी लेगा ऐसा सीन है। तो भाई ठीक है आज की वीडियो में कुछ इतना ही था भाई, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सेफ राइड।